बिहार के जहानाबाद जिले के बखदुमपुर प्रखंड स्थित अमसारा गांव में विगत कई दशकों से लाइन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहां की जनसंख्या लगभग 1000 के ऊपर दिखी जा रही है। और आपको गांव में बिजली है? नहीं। जैसे कि लेकर फिर पढ़ा तुम कुछ इसे? वही बेचारी पढ़ा है लाइटे बत्ती से। अच्छा, तेल कितना मिला हुआ? 2.5 लीटर। महीना पूरा हो जाएगा? ना, कहाँ पूरा होगा। खेत के पटौनी उटौनी से कुछ भी ना पूरा होगा। बिजली अगर गांव में रहते तो कहाँ से का सुविधा मिलता हुआ? बड़ी सुविधा मिलते है। खेत भी पटा था, बाल बच्चा भी पढ़ा था, पंखा भी चला था, लाइट भी जल रहा था, तेल भी बचा था। आनंद ठाकुर के घर में 3 बच्चे हैं और घर में ढीबरी या लालटेन से पढ़ाई करते हैं। कभी जोर से आंधी आने पर ढीबरी या लालटेन बुझ जाती है तो बच्चों का सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारे गांव में बहुत असुविधा है। हम लोग के यहाँ ढीबरी लालटेन से हम लोग को बच्चा पढ़ नहीं सकता है। हम लोग बहुत दिक्कत से यहाँ समस्या को काट रहे हैं। लाइन वगैरह हम लोग को लाइन का बहुत जरूरी है। बिजली आपको गांव में हो जाता तो आप इससे क्या क्या लाभ लेते? हम लोग को बिजली हो जाता बहुत सा लाभ लेते। बच्चा पढ़ता और हम लोग को मतलब कि कोई अगर 3 फीस होता है तो हम लोग कोई उपजाऊ करते हैं और कुछ करते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं। बिजली से हम लोग को लाभ हो सकता है। आप घर में कौन सी कुछ यूज करते हैं? हम लोग घर में ढीबरी लालटेन करते हैं और क्या करेंगे, और किसे बार सकते हैं। जो जिंदगी भर बुढ़ापे से हम लोग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। इस गांव में संख्या कितने का है? 1000 का संख्या है। बिजली लाने के लिए आप कहीं एप्लीकेशन लगाए हैं? हाँ, लगाए थे 2-4-5 बरस पहले लगाए थे। यहाँ से 10-20 लोग पैसा जमा किए थे लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ। लाइट के अभाव के कारण आज तक मैं अभी तक सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं किया और मैं ये नहीं चाहती कि इस समुदाय के साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि इस गांव में लाइन की कमी की दूर किया जाए। आप हमारी मदद कर सकते हैं। बीओ के दबाव बनाकर फ़ोन करें 84-31-18-078 संजीत कुमार वर्मा। मैं आशा प्रखंड मखदुमपुर जिला जहानाबाद इंडिया अनहट के लिए।